आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। तुअर दाल में मांग का दबाव बढ़ने के कारण तुअर की कीमतें धीरे धीरे सुधर रही हैं। दरअसल तुअर फसल में देरी को देखते हुए स्टॉक की स्टू की पकड़ मजबूत देखने को मिली है। व्यापारियों ने मई महीने में ही तुअर की बोवनी में कमी और भाव में मजबूत के संकेत दिए थे। देश में 24 जून तक तुअर की बोवनी पिछले साल में 55% घटकर 2.35 लाख हेक्टेयर तक पहुंची है। वहीं महाराष्ट्र में सोयाबीन और कपास का रकबा बढ़ेगा और तुअर 10% तक कम रह सकता है। हालांकि अच्छी ईल्ड से इसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन काफ़ी कुछ मौसम पर निर्भर करेगा। कर्नाटक में बोवनी 10-15% तक कम रह सकता है। किसान अच्छे भाव मिलने के कारण कपास, मक्का और सूरजमुखी अधिक कर रहे हैं। गुजरात में बारिश की स्थिति अच्छी नहीं होने से उत्पादन पर नकारात्मक असर पड़ेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कमज़ोर तुअर की बोवनी में कमी रह सकती है। यदि अगले 5-7 दिन में अच्छी बारिश हुई तो थोड़ा स्टॉकिस्ट की बिकवाली भी बाजार में देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर जुलाई अगस्त में मजबूत रहने की इसकी संभावना अधिक है। वहीं अफ्रीका तुअर सितंबर में आएगी और बर्मा लेमन में पड़ता नहीं लग रहा है। इंदौर में तुअर 100 रुपये बढ़कर महाराष्ट्र सफ़ेद 6,350 से 6,450, कर्नाटक में 6,500 से 6,600, निमाड़ी में ये 5,300 से 6,000 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गई है। वहीं मूंग में लिवाली कमज़ोर रहने से भाव में 100 रुपये की गिरावट रही। मूंग घटकर नीचे में बता दें 5,900 और ऊपर में 6,000 रुपये प्रति क्विंटल रह गई है। वहीं दालों में मांग अच्छा रहने से मूंग दाल, मूंग मोगर, चना दाल, उड़द मोगर में 100 रुपये की तेजी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।